अर्चना पूरन सिंह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जलवा से की थी, हालांकि उससे पहले एक्ट्रेस टीवी धारावाहिक करमचंद में नजर आ चुकी थी। अर्चना ने मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम बनाया है। अर्चना पूरन सिंह कई सालों से कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रही हैं। उन्होंने साल 2018 में द कपिल शर्मा शो में गेस्ट बनकर नवजोत सिंह सिद्धू की जगह ली और पिछले साल शो के बंद होने तक शो का हिस्सा रहीं। इस साल की शुरुआत में जब कपिल एक नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के साथ नेटफ्लिक्स में चले गए तो अर्चना एक बार शो में जमकर ठहाके लगा रही हैं। गेस्ट बनकर अर्चना हमेशा मंच के सामने अपनी कुर्सी पर बैठती हैं और अक्सर कपिल और शो में आए सेलेब्स के साथ बातचीत करती हैं। इस काम के लिए एक्ट्रेस ने द कपिल शर्मा शो के लिए एक एपिसोड से 10 लाख रुपए चार्ज किए। वहीं ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना पूरन सिंह द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एक एपिसोड के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वो अब तक शो से 8 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। अर्चना बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ, दिलीप कुमार की फिल्म सौदागर, गोविंदा की शोला और शबनम और आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी में नजर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, 90 के दशक में एक्ट्रेस बाज और जज मुजरिम जैसी फिल्मों में आइटम नंबर कर चुकी हैं। 90 के दशक में अर्चना पूरन सिंह टीवी पर एक पॉपुलर चेहरा बन गईं। उन्होंने अर्चना टॉकीज नाम से अपना खुद का शो भी होस्ट किया और नच बलिए में पति परमीत सेठी के साथ हिस्सा भी लिया था। साल 2014 में कॉमेडी सर्कस में जज बनकर आईं एक्ट्रेस ने बाद में कपिल शर्मा के शो में आने का मन बनाया। देहरादून में जन्मी अर्चना पूरन सिंह छोटे और बड़े दोनों ही पर्दों पर अपनी खास पहचान बना चुकी हैं। वह बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। अर्चना ने फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन अब वह कपिल शर्मा के शो में जोरदार ठहाके लगाते हुए नजर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।